यार मुझे भी चाहिए बस। और ये सारा चोटा कहीं तो साथ दे दो, कहीं तो साथ दे दो मेरा। मैं दूंगी, मेरे को लड़की पसंद है। ये सारा कमीना जो मेरे को जलाता है रोज रोज दिखा दिखा के गाड़ी, वो दिखा तेरे को मेरे साथ ऐसे भी। दोस्तों मैं हूं आपका फ्रेंड विकी और आ गया हूं आपके अपने चैनल विकी साइबर ब्लॉग्स में। तो दोस्तों सेटअप देख के पहचान गए होंगे कि मैं आज करने वाला हूं एक फिर से प्रैंक दीदी के ऊपर। तो दीदी है बाहर, तो अभी रूम का दरवाजा मैंने किया हुआ है बंद। तो मैं आपको बता देता हूं एक्चुअल में जो मेरा आज का प्रैंक है वो प्रैंक क्या होने वाला है, वो है दहेज प्रैंक। दीदी को ना दहेज नाम से बहुत नफरत है, ठीक है। और मैं ये बोलने वाला हूँ कि साहिबा ना मतलब ना दहेज, मुझे कार चाहिए थी, मुझे बाइक चाहिए थी, मुझे ये चाहिए थी, मैं ना दीदी को भड़का दूंगा, ऐसे बोलूंगा ना साहिबा का नाम लेके, है ना। तो दीदी एकदम भड़क जाएगी और देखना मेरे को पता नहीं पिछली बार तो पिटाई हुई थी, इस बार पता नहीं खूनी हो जाएगा मेरा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो दोस्तों ये जो कैमरा है मैंने एकदम कॉर्नर पे छुपाया हुआ है, एकदम चद्दर चुद्दर के बीच में, एकदम पता नहीं लगने वाला दीदी को। तो अभी मैं काम करता हूँ, दीदी को ऐसे बुलाऊंगा और देखते हैं कि ना बादशाह से बात छेड़ूंगा कि देखो दीदी ये मैं फोटो दिखाऊंगा, दीदी ये ना जो फोटो देख रहे हो ये ना कार जो है ना मेरे दोस्त को दहेज में मिली है, ऐसे ऐसे बात छेड़ूंगा, देखते हैं कि क्या होता है। अभी आगे आप लाइव बने रहो, देखते रहो। तो दोस्तों एक चीज जरूर करना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए कोई आए हैं, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं प्रैंक, हियर वी गो। तो दोस्तों एक बार करते हैं, मैं दीदी को भी बुलाता हूँ ना, दीदी देखते हैं आते कि नहीं। दीदी ऐसे भी सुनेगी, इसको बोलता हूँ दीदी। Few moments later, दीदी। A few minutes later. हाँ, आओ बैठते हैं यार, क्या बात है? क्या हुआ? बैठते हैं, बातें करते हैं। क्या हेल्प कर रही थी मैं? हेल्प हुई नहीं, हेल्प हो गई, बन गई रोटी। अच्छा, क्या कर रहे थे? बस ऐसे ही पसीनों पसीने का, ऐसे गर्मी ज्यादा है क्या? के साथ तुम एसी में बैठे हो, तुमको क्या मालूम चलेगा? बस यार काम से थक के आया था तो ये बैठूंगा नहीं। और बताओ? कुछ नहीं, और क्या? फोन करे थे इसको? नहीं बात हो गई साहिबा से। अच्छा एक फोटो दिखाऊं, ये वाली फोटो देखो, कार कैसी लग रही है? अरे बड़ी मस्त है, ए तुम भी ऐसी वाली ले लेना। इसको पता क्या है? हाँ, ये दहेज में मिली है कार। किसको? तेरे फ्रेंड को? हाँ। अरे बाप रे, इतनी बढ़िया, बड़ी सुंदर कार है, पर दहेज इसने क्यों लिया? दहेज अब सब मिलता है, उनको मिलता है वो ना, मतलब ये बहुत अच्छी लग रही है कार। जैसे हाँ वो ना दहेज उन्होंने मांग लिया था, और ना कार मांगी थी, बाइक मांगी थी, उसको कार भी मिली, बाइक भी मिली, उसके साथ उसको वो क्या बोलते हैं सारा फर्नीचर 8 लाख रुपए। तूने डिमांड की थी क्या? खाली मेरी किस्मत खराब थी, मुझे मेरा बस चलता ना, मैं भी कार मिलती मैं भी यहीं पे शादी कर लेती। मैंने तेरे को शर्म नहीं आ रही? तेरे को इतनी अच्छी लड़की मिली है, तू उसके दहेज इसके तो लड़की इसको भी अच्छी मिली है, तो उसकी क्या मालूम अपने दहेज पे अपना नाचेगी कि अपने घर में ना हंगामा करे ससुराल में। आज तो अच्छी है, कल कल क्या करे? ऐसा नहीं है, कार देखो यार, ये कार देखो, अरे कार ये मतलब क्या यार, मेरे को भी मिल जाता दहेज ना, गाड़ी नहीं दहेज के लालची हो? अरे गाड़ी नहीं, बाइक ही मिल जाती, बाइक मिल जाती, बाइक मिल जाती, बाइक बाइक नहीं तो बुलेट वगैरह मिल जाती। बस तेरे पास गाड़ी नहीं है क्या? अरे फिर दहेज वाली की बात ही कुछ और होती है ना, तुम ले लेना ना, तुम्हारे देखो क्या मिला देगा, 10-15 लाख रुपया मिलता, ठीक है। और उसके बाद कार मिल जाती, कार भी कौन सी होती, मर्सिडीज या ऑडी मिल जाती, या बीएमडब्ल्यू, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, मस्तान मिल जाती, लड़की मिल गई है, और क्या चाहिए तुमको भाई? दहेज लेने का ना अलग ही मजा होता है, मेरे दोस्तों को मिला है, मैं जानता हूँ। अच्छा आज उसे लड़की तो ले ली दहेज वाली, कल देखना उसके साथ क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो लड़की नचाएगी, वो ऐश मार रहा है, मेरे को जला रहा है ये। जला क्या रहा है? आपको क्या लड़की चाहिए थी कि दहेज चाहिए? तो इसको तो मिला ना, मेरे अकेले का नहीं है ये जो इसको दिखे जला रही है वो मुझे। 100 ले लेंगे,
सौ ले लेंगे क्या, कहाँ से ले लेंगे, ये सारा जला रहा है मेरे को है, दिखा रहा दहेज मिल रहा मेरे को, मैं क्या बोलूँ इसको, मुझे क्या दहेज मिले इसको, कार मिल गई सारा, इतनी ऑडी कार है, ऑडी कार कितनी की आती है, 40 लाख से स्टार्ट होती है ऑडी कार। जब लड़की देखने गया था हमने क्या कहा था, सिर्फ लड़की लड़की चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए। बार मैं अब देखे मेरा दिमाग खराब, चल यार आप लोग की वजह से हुआ है यार, लड़की दे ये देखो मेरे दोस्त को जो कार मिली है, लड़की चाहिए, उसका दिल टूट जाएगा पगला, दिल क्या टूट जाएगा, दिमाग खराब करो, मेरे को जो लाल लगती है देखिए, ये लाल, ये जो कार जो नजर आ रही है, तुम ले लेगा, तू ले लेना ना, आंखों से टक्का लो, पैसा लगता है, दहेज में फ्री में मिलता है, तो कब फ्री में, तो उसका माँ बाप कहाँ से देगा, अरे जहाँ से मर्जी दे, उसको करके दे भाई, उसको मिली है ना, इसको कैसे मिली है, एक और दोस्त मिला है उसकी दिखाऊंगा ना, उसको भी इतनी खतरनाक मस्टैंग मिली है, तो क्या हो गया, क्या हो गया, वाइट लोग देखना फिर क्या करेगी। अरे चलो मैं बोलने वाला हूँ दहेज की, मेरे को गाड़ी दे दो, बोले मुँह में मारूंगी चाटा, ऐवे मार दोगे, जब मेरे को जलन लगती है, मेरे दोस्त बोलते तुझे क्या, हम कार ही मिली, अच्छी लड़की तेरे को, संस्कारी लड़की मिली, तो संस्कारी इसको भी मिली है, हमारी इज्जत करती है, हमारे सामने भी नहीं कभी बोलती है, यार तंग मत करो दिमाग खराब फिर करने लग पड़े, लड़की मिली हाँ, तो ये क्या किस सदी में रह रहे हो, 21वीं सदी है, क्यों नहीं मांग रहे, खुल के मांगो दहेज यार, बिहारी है तो बिहारी लोग अच्छा है, बहुत अच्छे होते हैं, क्या अच्छे बेचारी को, आश्रम से आपने देखा नहीं वहाँ पे, मैंने देखा, हक है बाबा हक है, मैंने देखा मेरे यहाँ एक लड़की की शादी में 8 लाख रुपए मांगे, उस बेचारे ने कर्जे करके दिए, मेरे तो मुंह से हंगना उसके लिए गाड़ी निकल रही थी, उस लड़के वालों के लिए, अरे जो मुझको चला रहा है ये देखो कार कितनी खतरनाक कार है, कुत्ता लिया, मेरे दोस्त को कुत्ता मत बोलो, ऐसी गाड़ी लेनी, ऐसी गाड़ी तो ना हम लोग तो फेंकते हैं उसमें, मैं अमीर हूँ बहुत पैसा है मेरे पास, फेंक दे, आई दान बड़ी कर दे किसी को, अच्छा दान कर दे इसको जो मिली है, देख के लोगों के बचाने, एक बात बता, एक मिनट दो मिनट पहले ये बहुत अच्छी लग रही थी, जब पता है, एक मिनट बात सुन लो एक दो मिनट पहले बहुत अच्छी लग रही थी, और दो मिनट बाद दहेज, जब दहेज का नाम सुना तो ये आज तुम गाड़ी मांगो उससे तो कल, अच्छा ठीक है, आपके दो लड़के हैं ना, दहेज नहीं चाहिए, मैं तो नहीं लूंगी, मैंने तो बिल्कुल बोल दिया, मैं अगर मिला तो मेरे नाम कैसे लूंगी, मेरे नाम मना कर दिया कि मैंने लेना ही नहीं है, तब देखूंगा मुंह फटेगा, ये दे दो, मैं नहीं मांगने वाली हूँ तुम्हारे जैसा, नौटंकी मारो, मेरे टाइम में नौटंकी मारो, मैं मेरे टाइम में नौटंकी मारनी, आप जाके साला कुछ नहीं, नहीं तो मांगोगे तो मारूंगी भी मुंह पे चाटा, मारोगे, अच्छी लड़की साला, कार एक मिनट फिर दिखा दो, ये कार देखो कैसी गाड़ी है, वो कैसी लाइक है, अच्छा दो मिनट पहले यही कार सबसे अच्छी थी, और अब कैसी गाड़ी है, दीदी दिमाग खराब मत करो, इतनी अच्छी लड़की, इतनी अच्छी लड़की, अभी मम्मी पापा को पता चल गया ना, अभी तेरी ना हालत खराब हो जाएगी, जो जो, जो मैं मुझे ललचाता है ये दिखाता है, तुम भी ये छोटा साला है कमीना है, ये दुलाता है, इसको दहेज मिल गया साला, कार वो भी तुम्हें को बात, 40 लाख की साली कार लेके बैठा है यार, आप लोग मुझे बोल रहे हैं इसका, इसकी बहन को जाके मिलो, जाके क्या बोलता है, और जाके पता क्या बोलता है, उसको शाबाशी देती है, बेटा और मांगो, तो ये 40 लाख क्या, ये कम मांगे, ये बता, और मेरी बहन मेरे को थप्पड़ मार रही है, उसकी बारे में जीजे ने क्या बोला है, क्या बोला, 8 लाख की गाड़ी मांगनी उसने, अब किसकी, इसके जीजे ने, किसके जीजे ने, उसके लड़के के जीजे ने, तो अच्छा है ना बाबा, ऐसे नहीं, चल चल, उन्हें उसकी बहन की भी शादी हो गई है, सुन अब फिर भी मांग नहीं करेगा, तो उसने बोला, उसने बोला मुझे दिए नहीं, उसने बोला मुझे दिए तो तुम भी मांग, चार चार जीजे हैं, अब तैयार कर फिर चार गाड़ी तू, तो वो बहनों की शादी होगी, अब तो मैं तो बोलूंगी, मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी, चल चल यार, दिमाग खराब, और ये साला चोटा मेरे को जलाता है, ऐसी गाड़ी चाहिए, बोले सुसुराल से मुझे भी चाहिए, जीजे अच्छे हैं, मैं तो वो नहीं मांगता, जीजे की जगह मैं हूँ, यार दीदी चलो यार दिमाग खराब मत करो, कहीं तो साथ दे दो, मैं दूंगी, मेरे को लड़की पसंद है, तो लड़की मुझे भी पसंद है, पर ये छोटा साला जो मेरे को, ये साला कमीना जो मेरे को जलाता है रोज रोज दिखा दिखा के गाड़ी, वो दिखाता है, तू समझाना कि तूने क्यों ली किसी के ना माँ बाप से, ऐसी ये रोज से उतरता है, ये ससुराल से मिली है, ससुराल से मिली, तो तुमको दिखा के क्या, 4 दिन की गाड़ी को लेकर ना उछलना, यार दीदी यार तंग बहुत करते हो, तो मेरी बात कभी तो मान लिया करो, बड़े होने का रोमी मारते रहते हो यार, बेटी दे भगवान उसको बेटी दे, कि उसे भी इतनी, वो तो आज 40 की मांगी है ना उसने, उससे 1 करोड़ की मांगे, 1 करोड़ रुपया देगा ये,
कार भी लेगा क्यों कमाएगा अब जो 40 लाख की कार है उसको बेच देगा 20 लाख रुपया बच जाएगा और बाकी सामान बेच देगा कम से कम थोड़ा बहुत अब जुगाड़ करके दे देगा तब तक तो ऐश मार लेगा ना बाद में देगा अपनी ऐश तो मार रहा है ना वो तेरे बाबूजी ने क्या किया अपनी बेटियों को दहेज दिया था पुराने ख्याल के हैं वो अच्छे हैं पर मैं अच्छा नहीं हूँ नहीं ये छोटा ये कमीना जो जगजर आ रहा है कितना बत्तीसी फाट रहा है ये उसको क्या करेगा उसकी गाड़ी गंदी सी गाड़ी है मुझे नहीं पसंद चल यार खटो मेरा सही कभी साथ दे दिया करो मेरा ऐसी गाड़ी के लिए साथ हूँ दहेज के लिए तुमको लड़की चाहिए कि दहेज चाहिए तो ये छोटा मेरे को जो जलाता है इतनी अच्छी लड़की ये कमीना जो जला रहा है मेरे को वो उसने मांग की है मेरे को तो पुलिस ना रिपोर्ट कर देनी चाहिए तुम्हें बोलना चाहिए उसे इतना दम नहीं है मेरे दोस्त को बता दोगे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है इस दुनिया में अच्छा काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है मुझे तो दहेज लेने वालों से नफरत है चल यार मैं तो ये जोड़े हाथ चलो बता दो बोलेगा ज्यादा बोलेगा करो फोन भी किया या उसको कुछ भी बोला ना तेरी टांग तोड़ दूंगी तो वो वाला दहेज भी चाहिए वो देखिए कौन सा दहेज वो देखिए दहेज कहाँ है वो दहेज दोस्तों बोला जा रहा दहेज के नाम से ना आग बबूला हो जाती है और बता रहा मैंने कैसी दीदी के सामने एक्टिंग करी और दीदी एकदम सीरियस हो गई थी कि मैं दहेज मांगने ना मांग रहा हूँ भाई दहेज कभी नहीं मांगना चाहिए ये बहुत गलत चीज है बस हमने मैंने दीदी पे प्रैंक कर रहा था दीदी एक्चुअली में बहुत क्योंकि दीदी की दीदी का एक ननंद बनी हुई थी ठीक है और उनको दहेज मिला है तो मतलब दीदी देखा हाँ तो वो होता है चलो कोई बात नहीं है ना बट ये है कि दहेज नहीं लेना चाहिए अब जो ना माँ बाप होते हैं लड़की को किस तरह ना पली बड़ी करते हैं पढ़ाते हैं उसके बावजूद इतने पैसे कहाँ से लाएंगे बेचारे है ना सही ये दीदी बहुत एकदम सही है नहीं लूंगी और मैंने नहीं लिया है बस मैं नहीं लिया मेरे भाई ने मगर वो उसको देख के पता नहीं क्यों मेरे को गाड़ी अरे बाबा ये इसने अपने पैसे से ही खरीदी है कोई 40 लाख की कार दे देगा नहीं वो मैं बस बेवकूफ बना रहा था आपने गालियां इतनी दे दी तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है बताओ ठीक है अगर पसंद है तो लाइक करो शेयर करो मगर बहुत गंदा तू रोज सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मिलते हैं नई वीडियो के साथ पिटाई कंटिन्यू होती रहेगी बाय टेक केयर सब बाय